हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट और सी टेट के लिए हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन होते हैं 33, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं 52, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी की वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर होगा श्री, श्री को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अधम्र, ऑप्शन बी है अधर्म, ऑप्शन सी है अधर्म, ऑप्शन डी है अधर्म। तो इसका सही आंसर होगा अधर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुकर्म। तो इसका आंसर होगा जो सही वो होगा ऑप्शन बी, अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु, दीर्घायु, दीघायु और दीघीयु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अधिशासी, अधिशाशी, अधिशाशी, अधिशाशी। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है अधिशाशी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। सन्यासी, सन्यासी, ऑप्शन बी। ऑप्शन थ्री सन्यासी, ऑप्शन डी सन्यासी। तो इसका शुद्ध शब्द जो होगा ऑप्शन ए होगा, सन्यासी। अब आते हैं 11 से 15 नंबर तक क्वेश्चन है। इनमें से एक अनुच्छेद तैयार करना है और इनमें से आपको 6 वाक्य दिए गए हैं। पहला और छठवां वाक्य व्यवस्थित कर दिया गया है, बाकी 4 ऑप्शन हैं उनको व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण अनुच्छेद तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, कहा जा सकता है कि, और छठवां सेंटेंस जो होगा वो है, वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके बीच में जो सेंटेंस दिए हुए हैं, या नंबर है अनायास ही मानव जीवन की सर्वोपयोगी, रा नंबर है सरस साधन काव्य ही है जिसका, ला चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ, तथा ऑप्शन वा है अनुशीलन करने पर अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी। तो अब इन्हें अरेंज करना है एक ऑर्डर में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला वाक्य है, सारता कहा जा सकता है कि, फिर दूसरा आएगा चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ, तथा फिर तीसरा वाक्य होगा सरस साधन काव्य ही है जिसका, फिर तीसरा वाक्य होगा अनुशीलन करने पर अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी, फिर इसके बाद आएगा या ऑप्शन अनायास ही मानव जीवन की सर्वोपयोगी, और लास्ट ऑप्शन है जो सेट है आपका सेंटेंस, वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ला रा वा या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाक्य है गत 80 वर्षों में, और छठवां वाक्य है सामने आकर भी नहीं आ पाती है। बाकी 4 वाक्य दिए हुए हैं इनको आपको व्यवस्थित करना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला वाक्य व्यवस्थित करते हैं, गत 80 वर्षों में, तो दूसरा आएगा यहाँ पर राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने, ऑप्शन वा आएगा एक के बाद राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने, फिर इसके बाद आएगा ऑप्शन या हमारे दिमाग को इतना भोथरा, फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा ला कि हमारे दिमाग को इतना भोथरा बना दिया है कि संस्कृत की, फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा रा सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आँखों के, और लास्ट सेंटेंस होगा सामने आकर भी नहीं आ पाती है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाक्य है मनो विनोद की क्षमता से युक्त होने के, और छठवां वाक्य है सूक्ष्म और परिष्कृत हास्य का स्तर गिर गया है। अब इसको भी एक अनुच्छेद में व्यवस्थित करेंगे। पहला वाक्य है मनोविनोद की क्षमता से युक्त होने के, इसके बाद इसमें दूसरा वाक्य आएगा ला, और इसीलिए कवि सम्मेलनों के आश्रय में विकसित होने के कारण, फिर इसके बाद आएगा या नंबर का वाक्य जहां एक और हास्य कविता की लोकप्रियता बढ़ी है, इसके बाद फिर आएगा ऑप्शन वा, वहीं दूसरी ओर एक हानि यह भी हुई है, फिर लास्ट ऑप्शन आएगा रा कि उसमें घटिया और भोड़ी बातों के समावेश से सूक्ष्म और परिष्कृत हास्य का स्तर गिर गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ला या वा रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाक्य है प्रत्येक मनुष्य जीवित रहना चाहता है, और छठवां वाक्य है जीवन की रक्षा का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। अब इसमें से चार वाक्य और दिए हुए हैं जिनको कि व्यवस्थित करना है, तो देखते हैं। पहला वाक्य होगा प्रत्येक मनुष्य जीवित रहना चाहता है, उसके बाद इसमें दूसरा वाक्य जो आएगा वो होगा उसे आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, फिर तीसरा वाक्य आएगा रा नंबर, जो व्यक्ति दूसरों का जीवन नष्ट करता है या नष्ट करने का प्रयास करता है उसे राज्य द्वारा दंड दिया जाता है, इसके बाद चौथा ऑप्शन आएगा इसलिए राज्य अपनी जनता को जीवन की रक्षा के लिए आश्वस्त करता है, और पांचवा वाक्य आएगा वह नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उसकी हत्या करे अथवा उसे कष्ट पहुंचाए, और छठवां वाक्य है जीवन की रक्षा का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाक्य है मैं शिक्षा और उपदेशों को अधिक महत्व नहीं देता, और छठवां वाक्य है तुम्हें इन उपदेशों से शांति नहीं मिलती है। बाकी के चार वाक्य हैं ये बना करके एक अनुच्छेद तैयार करेंगे। तो देखते हैं, पहला है मैं शिक्षा और उपदेशों को अधिक महत्व नहीं देता, इसके बाद आएगा रा नंबर, उनमें कुछ भी नहीं है, फिर इसके बाद आएगा वा, वे केवल शब्द हैं, फिर आएगा इसके बाद ला, पाप और पुण्य भी केवल शब्द हैं, फिर आएगा यही कारण है कि तुम विशुद्ध हो, और आखिरी वाक्य है तुम्हें इन उपदेशों से शांति नहीं मिलती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आएंगे, इनमें से कुछ वाक्यांश या शब्द समूह दिए हैं, और उसके बाद पांच ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक ही शब्द में वाक्यांश या उस शब्द समूह का अर्थ प्रकट करते हैं। आपको बताना है कि वह शब्द कौन सा है जो वाक्यांश का सही अर्थ प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य के उदय होने का स्थान, तो सूर्य के उदय होने के स्थान को कहते हैं उदयाचल, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उदयाचल का मतलब क्या होता है, वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना माना जाता है, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो तो उसे कहते हैं कुलीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है तो उसे कहते हैं बौर, ऑप्शन डी। बौर क्या होता है, फल में परिवर्तित होने वाला फूल, आम के वृक्ष की मंजरी भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल इसी लोक से संबंधित हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इहलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा के कारण संतोष धारण किए हुए मनुष्य, तो इसका आंसर होगा उपकृत, ऑप्शन ए। उपकृत का मतलब होगा जिसके साथ उपकार किया गया हो, और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कृतार्थ का क्या मतलब होता है, कृतार्थ का मतलब होता है कृपा के कारण संतोष धारण किए हुए मनुष्य, और कृत कार्य होता है जो अपना कार्य या प्रयोजन सिद्ध कर चुका हो, कामयाब या सफल हो, उसे कहते हैं कृत कार्य। अब कुछ क्वेश्चन है हिंदी पेडागॉजी से संबंधित, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनुकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर होगा
हिलगार्ड, ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, तो इसका सामान्य उद्देश्य होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना और दूसरों को सुनकर समझाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। तो उन्हें प्रयोग करना चाहिए सामान्य बोलचाल का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान रखा जाए, तो बालकों में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ये देखते हैं। पहले तो रुचियों का, प्रवृत्तियों का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। ऑप्शन सी, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। तो इसका उपयुक्त उपाय है बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। तो इसका आंसर होगा भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है। पहला ऑप्शन है जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऑप्शन बी है जो कल्पनाओं से संबंधित हो, ऑप्शन सी जो तर्कों पर आधारित हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बालक सामान्यतः उसी विषय में रुचि अधिक लेता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। तो अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को। तो इसका आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द आश्चर्यचकित में प्रयुक्त समास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास होगा इसमें। फ्रेंड्स, समास का टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका एक वीडियो भी बना के अपलोड किया है, तो आप उसे देख लें तो आपको समास अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही आसान लगेगा और इन क्वेश्चन में भी आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबला पतला में प्रयुक्त समास है। तो इसमें प्रयुक्त समास है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द खूबसूरत में प्रयुक्त समास है। तो इसका आंसर होगा इसमें समास है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, शब्द रोगग्रस्त में प्रयुक्त समास है। तो इसमें समास होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात में प्रयुक्त समास है। तो इसका आंसर होगा इसमें होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब कुछ मुहावरे देखते हैं और उनका अर्थ। भीगी बिल्ली बनना का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा इसका अर्थ है दीनहीन होकर सहम जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना अर्थात। तो इसका आंसर होगा इसका मतलब होगा बहुत कीमती होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर पैर रखने का मतलब है ऑप्शन ए, दो विरोधी बातें करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पर मोर का आशय क्या है। तो इसका मतलब है एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कदम लड़खड़ाना का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा इसका अर्थ है टिक ना पाना, ऑप्शन डी।
फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपडेट्स पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।